दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज के दो पहलू होते हैं। किताबें जिन्हें इंसानों का सच्चा दोस्त बताया गया है, वो हम सभी की जिंदगी में सबसे अहम मायने रखती हैं। दोस्तों, वो किताबें ही हैं जो हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नई नई चीजें सीखने के काबिल बनाती हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ रहस्यमय किताबें ऐसी भी हैं जो कि इंसानों के लिए बेहद ही नुकसानदेह साबित हुई हैं। कहा जाता है कि ये सभी रहस्यमय किताबें शैतानी दुनिया से ताल्लुक रखती हैं और इन सभी किताबों को आज तक कोई भी इंसान पूरा नहीं पढ़ पाया। आज तक जिस किसी ने भी इन रहस्यमय किताबों को पूरा पढ़ने की कोशिश की, उन सभी की किसी ना किसी वजह से मौत हो गई। आपको बता दें कि इन किताबों में से कुछ किताबों को श्रापित माना गया है, इसलिए शायद आज तक कोई भी इन्हें नहीं पढ़ पाया। और इनमें से कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें काला जादू, शैतानी आत्माओं के रहस्य, आत्माओं से संपर्क और जादुई ताबीजों के बारे में बताया गया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन रहस्यमय किताबों के बारे में विस्तार से, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, द ग्रैंड ग्रिमोर बुक। दोस्तों, इस रहस्यमय किताब के बारे में ऐसा बताया जाता है कि आज तक जिन लोगों ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की है, उन सभी को अपनी इस गलती के लिए बड़ा भारी हर्जाना चुकाना पड़ा है। आपको बता दें कि इस रहस्यमय किताब को जिस इंसान ने साल 1512 में लिखा था, लोगों का मानना है कि उसने एक शैतानी आत्मा के कब्जे में रहकर इस किताब को लिखा था। फिलहाल इस किताब को वेटिकन सिटी के एक सीक्रेट वॉल्ट लॉक में रखा गया है। इस किताब में ये बताया गया है कि आप किसी भी शैतानी आत्मा को अपने करीब कैसे ला सकते हैं। और इसके अलावा इस किताब में ऐसी ऐसी चीजें भी लिखी गई हैं कि अगर किसी इंसान ने इस किताब को पूरा पढ़ लिया, तो उसकी आत्मा किसी शैतान के कब्जे में जा सकती है, जिस वजह से अब किसी भी इंसान को इस किताब को पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। नंबर 2, द बुक ऑफ एब्रामेलिन। दोस्तों, ये 15वीं शताब्दी में लिखी गई एक श्रापित किताब है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। आपको बता दें कि इस किताब को अब्राहम नाम के एक आदमी ने लिखा था। कहा जाता है कि अब्राहम जब एक बार इजिप्ट घूमने गया, तो वहां उसे एक जादूगर मिला और उस जादूगर ने अब्राहम को शैतानी शक्तियों और अलग अलग तरह की जादुई शक्तियों के बारे में बताया था, जिसके बाद अब्राहम ने इन सारी शक्तियों के इस्तेमाल को जग जाहिर करने के लिए एक किताब लिखी और उसका नाम द बुक ऑफ एब्रामेलिन रखा गया। इस किताब में ऐसे ढेर सारे अजीबोगरीब टॉपिक लिखे गए हैं जो किसी भी इंसान को हैरानी में डालने के लिए काफी हैं, जैसे कि मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कैसे कर सकते हैं, दुनिया में मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करने के तरीके क्या क्या हैं, यहां तक कि इस किताब में हवा में उड़ने का जादुई तरीका भी बताया गया है। नंबर 3, वॉयनिच मैनुस्क्रिप्ट। दोस्तों, 240 पन्नों के इस किताब के बारे में कहा जाता है कि आज तक कोई भी इंसान इसे नहीं पढ़ पाया। इतिहासकारों के मुताबिक यह किताब लगभग 600 साल पुरानी है और कार्बन डेटिंग के जरिए पता लगाया गया है कि इस किताब को 15वीं सदी में लिखा गया था। और इस किताब की खास बात यह है कि जिस भाषा में इस किताब को लिखा गया है, उसे आज तक कोई नहीं समझ सका। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है। हालांकि इस किताब को वैसे तो हाथ से ही लिखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये किताब अपने आप में कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है। इस किताब में इंसानों से लेकर पेड़ पौधों तक के चित्र मौजूद हैं, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस किताब में कुछ ऐसे पेड़ पौधों के चित्र भी बने हुए पाए गए हैं जो हमारी धरती पर मौजूद किसी भी पेड़ पौधे से मेल नहीं खाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस किताब में कई पन्ने हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इसके कई पन्ने खराब होते चले गए और फिलहाल इसमें सिर्फ 240 पन्ने ही बचे हैं। इस किताब के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया है, लेकिन किताब में लिखे गए कुछ शब्द लैटिन और जर्मन भाषा में हैं, जिससे यह किताब और भी नए सवाल खड़े करती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस किताब को कुछ इस तरह से लिखा गया होगा जिससे इसमें लिखी गई बातों को गुप्त रखा जा सके, यानी ये एक तरह की कोड वर्ड वाली किताब भी हो सकती है और इसी वजह से इसमें जो भी लिखा गया है वह अभी भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, द बुक ऑफ सोएगा। दोस्तों, 197 पन्नों वाले इस किताब को मौत की किताब भी कहा जाता है, जिसे साल 1552 में जॉन डी नाम के एक विद्वान ने लिखा था।
ऐसा बताया जाता है कि यह किताब काले जादुई मंत्रों से भरी हुई है और इस किताब की भाषा भी एक सीक्रेट कोड में लिखी गई है जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक जॉन की मौत के बाद यह किताब अचानक से गायब हो गई थी और फिर साल 1990 के दौरान यह किताब अमेरिका के बॉडलियन लाइब्रेरीज ऑफ ऑक्सफोर्ड में बरामद हुई थी। लाइब्रेरी के अधिकारियों का कहना था कि यह किताब इस लाइब्रेरी में कब और कहां से आई उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता चला और फिलहाल आज भी यह किताब इसी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है जिसमें लिखी गई सीक्रेट कोड की भाषा को अभी तक कोई भी नहीं पढ़ सका है। नंबर 5, द बुक ऑफ द बुक। दोस्तों 200 पन्नों वाली इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इस किताब के पन्ने पूरी तरह से खाली हैं, यानी इन पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। आपको बता दें कि इस किताब को इदरीस शाह नाम के एक आदमी ने पब्लिश कराया था, लेकिन आखिर उन्होंने खाली किताब को पब्लिश क्यों कराया? कहा जाता है कि ये एक ऐसी किताब है जो कि हमेशा से ही सूफी संतों द्वारा अपने शिष्यों को दी जाती रही है। एक बार एक सूफी संत ने अपने शिष्य को ये किताब देकर उसे पढ़ने को कहा, लेकिन शिष्य ने कहा कि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, मैं इसे कैसे पढ़ूं? इसके बाद उस संत ने अपने दूसरे शिष्य को ये किताब लेकर पढ़ने को कहा, लेकिन दूसरे शिष्य ने इस किताब को खोला तक नहीं। और जब संत ने उससे पूछा कि तुमने इस किताब को क्यों नहीं खोला, तो उसने बताया कि इसे पढ़ने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके बाद उस सूफी संत ने अपने शिष्य से कहा कि तुम इस किताब का असली मकसद जान चुके हो, यानी कि जो पढ़ने वाले हैं ये किताब उनके किसी भी काम की नहीं है। कहने का मतलब है कि ज्ञानी पुरुष के लिए ये किताब एक ग्रंथ है और अज्ञानी पुरुष के लिए ये किताब मात्र एक कोरे कागज की किताब है। नंबर 6, ग्रीक मैजिकल पपायराई। दोस्तों 200 ईस्वी में लिखी गई ये किताब कई सारे अजीबोगरीब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। कहा जाता है कि इस रहस्यमय किताब में ऐसे ऐसे जादुई मंत्र लिखे हुए हैं जिनसे आप आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं और इस धरती में छुपे हुए किसी भी रहस्यमय दरवाजे को खोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताया जाता है कि इस किताब में लिखे गए कुछ मंत्र इतने शक्तिशाली हैं जिनके मदद के जरिए कोई भी इंसान आग के लपटों में अपने भविष्य को देख भी सकता है। नंबर 7, द ब्लैक बुलेट। दोस्तों 18वीं सदी के दौरान फ्रांस में लिखी गई ये किताब जादुई ताबीज बनाना सिखाती है। ताबीज एक ऐसी चीज होती है जिसे अपने शरीर पर पहनने या अपने पास रखने से किसी ना किसी तरह की अलौकिक शक्तियां आपके पास रहती हैं। आपको बता दें कि इस किताब को नेपोलियन आर्मी के एक ऑफिसर ने लिखा था जिसका जन्म इजिप्ट में हुआ था। इस किताब में बेहद ही बारीकी के साथ ये समझाया गया है कि किस तरह ब्रांच, स्टील, सिल्क और जादुई स्याही की मदद से एक जादुई ताबीज बनाया जा सकता है। किताब में ये भी बताया गया है कि इस तरह से बनाए गए ताबीजों से जिन्न को भी काबू में किया जा सकता है। दोस्तों जिन्न आग और धुएं से बना हुआ एक ऐसा शक्तिशाली प्राणी होता है जो किसी की कोई भी ख्वाहिश को पूरी करने की शक्ति रखता है। दोस्तों इसमें बताए गए कुछ ताबीज ऐसे भी हैं जिन्हें अगर किसी के शरीर पर बांध दिया जाए तो वो अपने छिपाए गए सारे सच कबूलने पर भी मजबूर हो जाएगा। नंबर 8, आर्स अल्माडेल। दोस्तों इस किताब को 17वीं सदी के दौरान एक अनजान जादूगर ने लिखा था। इस किताब में ये बताया गया है कि आप किस तरह से एक जादुई घर बनाकर उसमें परियों से बात कर सकते हैं या फिर उन्हें अपने पास बुला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस किताब में ये भी बताया गया है कि परियों को किस समय और कब बुलाना चाहिए और उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए और उनके साथ अगर आपको रहना है तो आप उनके साथ कैसे रह सकते हैं। नंबर 9, द ग्रेट ओमार बुक। दोस्तों ऑस्टीन पैट्रिक ट्रोनी के द्वारा लिखी गई इस किताब को शापित बताया गया है और इसे टाइटेनिक जहाज के डूबने का कारण भी माना जाता है। नंबर 10, द ऑर्फन स्टोरी बुक। दोस्तों इस किताब को साल 1600 में एक साधु ने लिखा था और यह किताब एक ऐसे लड़के के ऊपर लिखी गई है जो कि 14 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर स्पेन में रहने लगता है और पढ़ लिख कर एक सैनिक बन जाता है। फिर इसके बाद वो लड़का अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में एक सन्यासी बन जाता है। दोस्तों इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसे लिखा तो साल 1600 में गया था लेकिन इसे पब्लिश 400 साल बाद यानी 2018 में किया गया। लेकिन कुछ लोग इसे शापित किताब मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2018 से पहले जिस किसी ने भी इस किताब को पब्लिश करने की कोशिश की थी उन सभी लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत
हो गई थी। दोस्तों वैसे कमेंट करके बताइए कि इन सभी किताबों में से सबसे ज्यादा रहस्यमय किताब आपको कौन सी लगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।